हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टी किचन। मैं हूँ गीत। आज हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से चटपटा आम की रेसिपी बनाएंगे, जो खट्टा मीठा आम की रेसिपी होता है और आम सुनते ही खाने का बहुत ही मन होता है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। इसके लिए मैंने कच्चा केरी ली है, जो कच्चा आम होता है जो बाज़ार में मिलता है कच्चा आम, और इसको कटिंग करने में बहुत ही ईजी होता है। कच्चा आम जो इसकी अंदर की गुठली है वो ज़्यादा पकता नहीं, तो हमें कटिंग करने में बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे मैंने कच्चा आम ली है। अब इस आम को मैं दो पीसेस में कट करूँगी। आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे कट कर सकते हैं, जैसा शेप देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आम की छिलका नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि छिलके में जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। अगर ये है बहुत ही कच्चा वाला आम है, तो अगर हम छिलका निकाल देंगे तो ये जब हम रेसिपी बनाएंगे सारा मेल्ट हो जाएगा, इसीलिए हम छिलका रखेंगे। यहाँ पे मैं कट करके इसकी बीज निकाल दी। बहुत ही कच्चा है, पका नहीं, तो इसलिए इसका जो गुठलिया है कच्चा है। इसको हम कटिंग करने में बहुत ही ईजी होता है। जब गुठलिया कच्चा रहता है तो हम उसको ईजिली काट सकते हैं और ईजिली निकाल भी सकते हैं, और अपने हिसाब से शेप भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं लंबाई में कट कर रही हूँ, इसको शेप दे के कट करूँगी। आप अपने हिसाब से छोटे छोटे क्यूब्स में जैसे चाहे ऐसे शेप दे के कट कर सकते हैं। यहाँ पे एक पार्ट मैंने कट कर ली लंबाई में, तो इसको दो पीसेस में कट करूँगी। इस तरह से मैं इसको आम को कट करूँगी ताकि ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे और खाने का टाइम अच्छा लगे। तो ये हो गए हमारे, देखिए कैसे मैंने कट कर लिए। इसी तरह से मैं सारे आम को कट कर लूँगी, और कट करने के बाद और इसको अब मैं एक बाउल में रखूँगी और इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो इसको मैं साइड में ले ली। साइड में लेने के बाद इसको मैं बाउल के अंदर रखूँगी। आप चाहे तो पहले आम को धो भी सकते हैं। जब हम आम को धोते हैं तो थोड़ा उसको उसमें थोड़ा नमक डाल के अगर धोएंगे तो उसकी छिलके के ऊपर जो होता है जो दाग होता है वो भी निकल जाता है। यहाँ पर नमक नहीं डाल रही हूँ, सादा पानी से मैं धो रही हूँ। तो इसको धो के मैं साफ़ करके फिर से इस बाउल में रखूँगी। तो यहाँ पे मैं धो के रख ली और इसमें थोड़ा नमक डाल दी। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, और यहाँ पे हल्दी पाउडर भी डाल दी, और यहाँ पे चिल्ली पाउडर भी डाल दी। तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आम पे सब कुछ मैरिनेट कर रही हूँ, और यहाँ पे एक चम्मच सरसों के तेल ले रही हूँ और इस सबको अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। और इस आम को मैरिनेट करके मैं साइड में रखूँगी, फिर जाके मैं कढ़ाई बिठाऊँगी और कढ़ाई में करूँगी। तो इस तरह से मैंने मैरिनेट कर ली सब सारे आम को। आम से हम जिस तरह से रेसिपी बनाते हैं तो खाने का बहुत मज़ा आता है। आम ऐसा है, एक ऐसा फ्रूट है, वेजिटेबल है, जो भी आप बोल सकते हैं। तो इसको मैं साइड में लेती हूँ। अब यहाँ पे एक कढ़ाई बिठा ली। कढ़ाई बिठाने के बाद मैं इसमें तेल डाल दी। रिफाइंड ऑयल ली है मैंने, आप चाहे तो इसमें सरसों के तेल ले सकते हैं, और मैंने मैरिनेशन में सरसों के तेल डाल दिया था। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। यहाँ पे तेल गरम करके दो साबूदाना मैंने डाल दी इसमें। साबूदाने वाले दो लाल मिर्च होते इसको डाल दी, और यहाँ पर मैं और सारा मसाला डालूंगी। अब यहाँ पे राई ली है, यानी कि मस्टर्ड सीड ली है। राई का स्मेल बहुत अच्छा होता है, जो खुशबू होता है आम में वो आम के टेस्ट को दुगना बनाता है। यहाँ पे राई चटक रहा है, और यहाँ पे दो हरी मिर्च भी इसमें डाल दी। यहाँ पे ये हरी मिर्च और लाल मिर्च और ये सरसों अच्छे से चटक चुका है। यहाँ पर मैंने अदरक डाल दी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, छोटे छोटे अदरक यहाँ पे डाल दी। तो अदरक का स्वाद बहुत अच्छा होता है। ये सब कुछ अच्छे से चटक चुका है। अब यहाँ पे ये हमारा बन चुका है, ये तड़का वाला मसाला। अब यहाँ पे मैं करी पत्ता डालूँगी इसमें, थोड़ा करी पत्ता भी डाल दी। करी पत्ता की जगह आप धनिया के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो करी पत्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। तो इसमें करी पत्ता डाल दी मैंने। ये मसाला बन चुका है। अब यहाँ पर जो आम हमने मैरिनेट करके रखा था, इस आम को हमने डाल दिया इसमें। तो ऐसे मैं बनाने के टाइम यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ, तो जिस टाइम पे इस आम को हम बनाएंगे तो ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि हम इसको फिर से भी करेंगे। तो इस मसाला के साथ आम को फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे।
मसाले के साथ इसे आम को थोड़ी देर के लिए हम भुनेंगे, इसको ढकेंगे नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बहुत कच्चा आम होता है, जल्दी पिघल जाता है, तो इसको हम पिघलने के लिए देंगे नहीं, इसको ढकेंगे नहीं, तो इसे ओपनली खुले में फ्राई करेंगे। इसको हम 5-7 मिनट के लिए भुनेंगे, फिर जाके इसको निकाल देंगे। इसको मैंने निकाल दी, एक बाउल में इसको निकाल दी। अब इसको मैं साइड में रखूँगी, उसी कढ़ाई में मैं हमारी चाशनी बनाऊँगी। तो पहले थोड़ा मैंने पानी डाल दी, थोड़ा सा पानी डाल दी, जितना ग्रेवी हमें चाहिए। यहाँ पे मैं गुड़ ली है, यानी कि गुड़ बहुत अच्छा होता है आम की, जो हम खट्टा मीठा बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने दो मिक्स करके गुड़ और चीनी दोनों मिला के डाल रही हूँ। आप चाहते हो सिर्फ गुड़ डाल के बना सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा चीनी भी लिया है मैंने, गुड़ का स्वाद बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे चीनी को भी मेल्ट करने के लिए छोड़ रही हूँ इस पानी के अंदर, गुड़ और चीनी एक साथ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा काला नमक डाल दी, यानी कि ब्लैक सॉल्ट डाल दी। ब्लैक सॉल्ट डालने से थोड़ा टेस्ट हमारा इन्हांस होता है। ये हो गया हमारा, ये चाशनी बन चुका है गुड़ और चीनी का। इस टाइम पर मैं इस आम को इसमें डाल रही हूँ, इसको 5 मिनट के लिए इस चाशनी में आम को अच्छे से पकाऊँगी। 5 मिनट से ज़्यादा हम पकाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा आम जब बहुत ज़्यादा गल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने हिसाब से इसको पका भी सकते हैं। तो बन चुका है 5-7 मिनट के बाद। यहाँ पे थोड़े भुने हुए जीरा डाल दी। भुने हुए जीरा हम इस वक्त डालते हैं जिस वक्त हमारा रेसिपी बन जाता है, तब जाके हम डाल के इसको निकाल देते हैं। बन चुका है हमारा खट्टा मीठा आम, और बहुत ही रसीला आम, जिसको हम लंच डिनर में खा सकते हैं। आम मतलब उसका नाम सुनते ही खाने का मन बहुत होता है। आम ऐसा ही एक वेजिटेबल फ्रूट्स कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसको हम पके हुए आम खा सकते हैं, कच्चे हुए आम खा सकते हैं। यहाँ पे रेडी है हमारा चटपटा खट्टा मीठा आम की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए मेरे नई वाली वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी में, और कलरफुल रेसिपी में, टेस्टी रेसिपी में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।